इंजीनियर्स, अगर आपको भीड़ से अलग दिखना है, एक अलग स्किल सेट के साथ आगे बढ़ना है, अगर आप जॉब इंटरव्यू पर जाते हैं और वहां पर एक स्किल सेट जो आपको बाकी सबसे अलग बनाती है वो है बार बेंडिंग शेड्यूल। आज के इस इंडस्ट्री में BBS बहुत एक एडवांस लेवल पर सीखना और अच्छे वे में एक्सेल के साथ करना वो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल और हेल्पफुल हो सकता है। हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सिविल गुरुजी। मैं इंजीनियर आकाश बोहरे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल सिविल गुरुजी पे। आज के खास वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आज हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ बार बेंडिंग शेड्यूल फॉर सिविल इंजीनियर्स की। बार बेंडिंग शेड्यूल का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो कैसे आपकी हेल्प कर सकता है, कैसे आपको एक अचीव लेवल पर ले जा सकता है, और कैसे पूरा BBS का नॉलेज लेके, मैं बात करूँ कैलकुलेशन एज वेल एज एक्सेल दोनों के कॉम्बिनेशन से, कैसे आप एक बहुत अच्छे वे में स्टील का कैलकुलेशन सीख सकते हैं पूरे के पूरे बिल्डिंग प्रोजेक्ट का। तो आइए स्टार्ट करते हैं, और जो हमारा आज का इस थीम है, जो आज का सेशन है, वो रहेगा हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ बार बेंडिंग शेड्यूल फॉर सिविल इंजीनियर्स। डिटेल पे आज हम बात करेंगे। सबसे पहले चालू करते हैं और जानते हैं कि हमको जो इंपॉर्टेंस चीज है वो समझना है कि क्या क्या इंपॉर्टेंस लेकर आता है BBS आपके लिए। अभी ये बहुत सारे जो अपकमिंग न्यू इंजीनियर्स हैं उनके लिए न्यू टर्म्स भी होगा, और बहुत सारे लोग इस चीज को पहले से जानते होंगे। तो सबसे पहले कटिंग एंड बेंडिंग ऑफ रिइंफोर्समेंट कैन बी डन। बार्स को कटवाना और बेंड करवा के लगवाना बहुत आसानी से हेल्प करता है बार बेंडिंग शेड्यूल। अवॉइड वेस्टेज, BBS वेस्टेज को अवॉइड करने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। जो भी साइट पर स्टील का वेस्टेज होता है उसका कंजप्शन रोकने का बहुत हेल्प करता है बार बेंडिंग शेड्यूल। प्रोवाइड बेटर एस्टिमेशन ऑफ रिइंफोर्समेंट, रिइंफोर्समेंट आपको मंगवाना है लगवाने के लिए तो उसका एक रफ एस्टिमेट पहले से आपको टू द पॉइंट मिल जाता है BBS के हेल्प से, जिससे कि जो भी बार्स आपको मंगवानी है उसको मंगवाने में आसानी होती है। नेक्स्ट पार्ट हम बात करें, BBS इज़ वेरी मच यूजफुल ड्यूरिंग ऑडिटिंग ऑफ रिइंफोर्समेंट। अगर आपके पास पहले से ही पूरा का पूरा BBS का कैलकुलेशन है, तो एज ए सिविल इंजीनियर जब आप साइट पर जाते हैं चेक करने के लिए पूरी बार को, चाहे वो फुटिंग हो, कॉलम हो, बीम हो, स्लैब हो, कोई भी बिल्डिंग कॉम्पोनेंट हो जहाँ पर स्टील का इस्तेमाल हो रहा है, तो उस केस में क्या होगा, आपको जो ऑडिटिंग है, जो अगर आप पहले से BBS बना के रखा है ड्राइंग्स के हेल्प से, तो आपको बहुत आसानी से प्रॉपरली आप ऑडिट कर सकते हैं, जिससे कि जो चोरी होती है साइट्स पे उसको आप बचा सके, प्रॉपरली चेक कर सके सारी चीज़ों को। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें, इजी एंड फास्ट प्रिपरेशन ऑफ बिल्स। बिल बनाने में आपकी बहुत ज़्यादा आसानी होती है, क्योंकि जब आप बिल बनाते हैं तो वहाँ पर भी आपको एक BBS करना होता है, जिसमें कि एक्चुअल एग्जैक्ट क्वांटिटी, एक्चुअल एग्जैक्ट अमाउंट जो कि बार्स का यूज हुआ है उसको भी बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है पूरा का पूरा बार बेंडिंग शेड्यूल। अगर मैं थोड़ा सा आपको और डिटेल पे बताना चाहूँ, बार बेंडिंग और शेड्यूल, इन तीनों के डेफिनेशन को अगर समझें, जो हमारी स्टील रेनफोर्समेंट बार आती है 12 मीटर की, उसको कटवाना, अगर कोई अलग शेप्स हैं तो उस शेप पर उसको बेंड करवाना, उसका ड्रॉइंग को पढ़ के एक पूरा शेड्यूल लिस्टिंग बनाना, एक टेबल फॉर्मेट पर उसको तैयार करना, पूरा का पूरा कंप्लीटली कहलाता है बार बेंडिंग शेड्यूल। अब इस बार बेंडिंग शेड्यूल बनाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, वो सारी चीज़ों का समझना है आपको। लोकेशन एंड मार्किंग ऑफ बार आपको ड्राइंग से पढ़ना है, कौन से टाइप का बार लग रहा है, कौन से साइज का बार लग रहा है, उसकी कटिंग लेंथ क्या होगी, नंबर ऑफ बार्स, कितने नंबर ऑफ बार्स लगेंगे कॉम्पोनेंट में, बेंडिंग डिटेल्स ऑफ बार, अगर वो बेंड हो रहा है तो कौन से एंगल में बेंड हो रहा है, एंगल डिडक्शन करना है तो कौन सा एंगल डिडक्शन करना है, टोटल क्वांटिटी कितना, टोटल क्वांटिटी आएगा, ये पूरा का पूरा चीज़ समझना, सारे सिनेरियो को एक इक्विवेलेंट करना, ये पूरा का पूरा बार बेंडिंग शेड्यूल। अब जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है BBS में, वो ये है कि इसकी ड्राइंग्स को समझना। जितनी भी आपकी ड्राइंग्स है, जो भी आपको साइट पर काम करने के लिए मिलती है, जिसे हम वर्किंग ड्राइंग कहते हैं, उस वर्किंग ड्राइंग में ये सारी डिटेल्स को समझना, ड्राइंग को पढ़ के सारा चीज़ कैलकुलेट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपको दिखाना चाहूं कि ड्राइंग्स कौन कौन सी होती है, तो यहां पर देख सकते हैं इंजीनियर, ये हमारी फुटिंग ड्राइंग, यहां पर पूरा फुटिंग का स्टील डिटेल्स दिया हुआ है, एज वेल एज फुटिंग के साथ साथ कॉलम का भी स्टील डिटेल्स दिया हुआ है। तो आपको ड्राइंग को पढ़ना आना चाहिए अगर आपको BBS बनाना है। तो अगर आप ये सारी चीजें सीखना चाहते हैं, तो आप सिविल गुरुजी के साथ प्रॉपर ट्रेनिंग करके सारी चीजें सीख सकते हैं। अगर मैं बताऊं अलग अलग ड्राइंग्स के बारे में बात करूं, ये फुटिंग हो गया, ये हमारा बीम ड्राइंग हो गया, इसको कैसे पढ़ना है, कैसे इसका BBS स्टील को कटवाने का पूरा डिटेल्स कैलकुलेट करना है, वो सारा का सारा चीज़ मैं और आप मिलकर ट्रेनिंग करते हैं प्रॉपरली हमारे सिविल गुरुजी के कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स में। नेक्स्ट अगर मैं ड्राइंग के पार्ट बात करूँ, बीम की ड्राइंग, ये देखिए आपको ये पूरा स्टील डिटेल्स ऐसा भरा भरा ड्राइंग दिख रहा होगा। जो भी हमारे फ्रेशर्स हैं, जो न्यू अपकमिंग इंजीनियर्स हैं, उनके लिए ड्राइंग बहुत हैवी होगी, बहुत बड़ी ड्राइंग लग रही होगी,
ये तो एक सिंपल सा एक पार्ट है, केवल ग्राउंड बीम का डिटेल्स है, स्लैब बीम तो और होता है बहुत सारा। तो ये सारी ड्राइंग्स को कैसे पढ़ना है, कैसे कैलकुलेट करना है, कैसे इसकी शेड्यूलिंग बनाना है, ये सारी चीज़ें सीखना, डिटेल पे समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्लैब, स्लैब का रेनफोर्समेंट डिटेल समझना, चाहे वन वे स्लैब हो टू वे स्लैब हो, सारी चीज़ें डिटेल पे समझना। हम बात करते हैं पूरा का पूरा स्टेयर केस, ये पूरी की पूरी जो जितनी भी ड्राइंग्स अभी मैंने आपको दिखाया, फुटिंग, कॉलम, बीम, स्लैब, स्टेयर केस, छज्जा, स्टेयर केस के साथ छज्जा भी आएगा, बहुत सारी चीज़ें, इन ड्राइंग्स को रीड करना है और सॉल्व आउट करना है, पूरा का पूरा बीबीएस बनाना है, तो वो कैसे होगा? क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है सारी चीज़ों को एक सीक्वेंस में सीखना। अगर मैं आपसे कहूं कि 1 से 10 तक मुझे काउंटिंग बताइए, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 आप एक सीक्वेंस में ही बताएंगे। तो सिमिलरली सीखना भी उसी सीक्वेंस में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको एक परफेक्ट सीक्वेंस मिलता है तब आप एग्जैक्ट और एक्यूरेट चीज़ें सीख और जान पाते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि सारी चीज़ें कैसे सीखने को मिलेगी और कैसे आप इन सारी चीज़ों को एक बार में लर्न करके आगे बढ़ सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, हम आ गए हमारे सिविल गुरुजी के वेबसाइट पर, एप्लीकेशन पे मैंने आपके लिए कोर्स लिया हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स लिया हुआ है। इस कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स में हम अंदर चलते हैं, यहाँ पर जैसे मैं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स के अंदर जाता हूँ, तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको बहुत सारी डिटेल्स मिलती हैं, एस्टिमेशन एंड प्लानिंग के नोट्स हैं, डाउट सेशन है, रेगुलर लाइव डाउट सेशन होता है रोज शाम को 7 से 8 बजे तक डेली, ताकि आपके जो भी डाउट्स है, क्वेरीज है, किसी भी पार्ट को लेकर वो प्रॉपरली क्लियर अप किया जाए। आप जाकर सारी चीज़ें पढ़ भी सकते हैं, एस्टिमेशन एंड प्लानिंग, ऑटो कैड, बीबीएस। हमारा पार्ट है बार बेंडिंग शेड्यूल, देखते हैं हम इसके अंदर। जैसे ही मैं जाता हूँ बार बेंडिंग शेड्यूल के अंदर और यहाँ पर देखता हूँ प्रॉपरली सारी चीज़ें मुझे क्या क्या सीखने को मिलेगा, तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर देखिए आपको बीबीएस के स्टार्टिंग से सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझना, स्पेसिफिकेशंस, ड्राइंग को रीड कैसे करते हैं, कटिंग लेंथ कैसे फाइंड आउट करते हैं, लैपिंग लेंथ, डेवलपमेंट लेंथ क्या होता है, सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगा। साथ ही साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टीरअप्स की, रेक्टेंगुलर स्टीरअप, सर्कुलर स्टीरअप, ट्रायंगुलर स्टीरअप, डायमंड स्टीरअप, अलग अलग तरह के स्टीरअप्स, किस तरह से हमको कटिंग लेंथ निकालना है वो आपको डिटेल पर सीखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रॉपरली बार बेंडिंग शेड्यूल ऑफ फुटिंग। अब इस पर जो सबसे यूनिक और अलग चीज़ है आपको जो यहाँ पर मिलता है वो पूरा का पूरा प्रॉपरली आपको मिलता है हमारे साथ साथ ट्रेनिंग करने के बाद, कि कैसे हम उसको डिटेल पर साइट के एग्जीक्यूशन वर्क के साथ कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर कि अगर हम बात करें कि हमको साइट पर भी अगर देखना है, तो मैं आपको यहाँ पर वीडियो दिखाता हूँ कि देखिए साइट के एग्जीक्यूशन वर्क के साथ आप देख सकते हैं कि कैसे पूरा का पूरा उस बीबीएस को समझना है, कैसे अंडरस्टैंड करना है। क्योंकि जब आप एक बार साइट पर जाते हैं, एक बार उस चीज़ को देख लेते हैं, तो आपको और आसान होता है चीज़ों को समझने पे। इसी वजह से हमने हमारे पूरे ट्रेनिंग कोर्स के साथ साथ यहाँ पर साइट विजिट भी रखा हुआ है प्रॉपरली। जैसे कि आप देख सकते हैं फुटिंग का टॉपिक है, तो फुटिंग के टॉपिक के लिए पूरा का फुटिंग का साइट विजिट है। सिमिलरली बीम का टॉपिक होगा तो बीम के साथ साइट विजिट होगा, सिमिलरली स्लैब का साइट विजिट होगा, हर एक पार्ट का साइट विजिट के साथ इंक्लूड करते हुए पूरा का पूरा ट्रेनिंग आपको दिया जाता है, जिसमें कि आपको प्रॉपरली बिल्डिंग कंपोनेंट का हर एक पार्ट, अगर मैं बात करूं बीम, कॉलम, फुटिंग, स्लैब, स्टेयर केस, छज्जा, पाइल, पाइल कैप, वन वे स्लैब, टू वे स्लैब, सारी चीज़ें डिटेल पे पूरा का पूरा आपको बीबीएस सिखाया जाता है। अगर आपको ये सारी चीज़ें डिटेल पर सीखना है स्टेप बाय स्टेप, गाइस सीक्वेंस, फिर से मैं बता रहा हूँ, सीक्वेंस में सीखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर सीखने को मिलती है प्रॉपरली, हर एक पार्ट में आप डिटेल पर ट्रेनिंग करते हैं। अब जो नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है डाउट, अगर आपको इसका डाउट आता है तो आप कैसे डाउट्स क्लियर करते हैं, हमारे साथ डाउट सेशन पर डाउट्स क्लियर करते हैं। और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सारी चीज़ें आपको वन टाइम एक जगह पर मिलती हैं डाउट सेशन पर भी, जो भी आप पार्ट आप सीखना चाहते हैं इंडस्ट्री में ग्रो करने के लिए, अगर हम बात करें एस्टिमेशन, बिलिंग, बीबीएस, ऑटो कैड, रेविट, ई टैप्स, क्वांटिटी सर्वे, रेट एनालिसिस, पूरा का पूरा पैकेज है हमारा कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स, एज वेल एज गुरुजी का खजाना। गुरुजी के खजाने में जो आपको स्पेशल मिलता है वो मिलता है कॉन्ट्रैक्ट एंड टेंडरिंग, और जो स्पेशल थीम इस लॉकडाउन पे इंजीनियर्स को ग्रो करने के लिए, इंजीनियर्स के लिए प्रॉपरली फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए सिविल गुरुजी ने प्रॉपरली जो पूरा का पूरा थीम का कॉस्ट था वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर चुका है। सिर्फ और सिर्फ सिस्टम ओरिएंटेशन चार्ज ही है सिविल गुरुजी आपसे चार्ज करता है, जिसमें कि अगर हम बात करें कि गुरुजी का खजाना कोर्स की अगर मैं बात करूं तो इसका जो एक्चुअल मार्केट वैल्यू है दैट इज 92,000 रुपीज। अगर आप जितनी सारी चीज़ें हमारे कोर्स में अवेलेबल है वो कहीं से भी सीखते हैं तो आपको नियर अराउंड 92,000 टू 1 लाख रुपीज़ के आसपास पूरे के पूरे कोर्स की फीस देनी होती है।
लेकिन जो इसका गुरुजी का एक्चुअल प्राइस है दैट इज ओनली 52,000 रुपीज़। 52,000 रुपीज़ में सिविल गुरुजी आपको पूरी की पूरी ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, एस्टिमेशन, बीबीएस, क्यूएस, आरए, बिलिंग, बार बेंडिंग शेड्यूल, ऑटो कैड, रेवी, टी टैप्स, एमएसपी, सारी की सारी चीजें कॉन्ट्रैक्ट एंड टेंडरिंग के साथ। तो अगर हम बात करें ड्यूरिंग द लॉकडाउन, अगर आपको ये सारे के सारे कोर्सेज अवेलेबल चाहिए तो आप गुरुजी कूपन कोड यूज कर सकते हैं। यहां से कूपन कोड अगर आप एक बार यूज करते हैं तो कूपन कोड यूज करने के बाद जो आपको फायदा होता है वो आप जो सारे के सारे कोर्सेज हैं उसको एक मिनिमम अमाउंट, अगर आप गुरुजी का खजाना कोर्स लेना चाहते हैं तो उसमें आप अप्लाई कूपन करेंगे। यहां पर जैसे आप यहां पर अप्लाई कूपन करते हैं आपको यहां पर गुरुजी कूपन अप्लाई करना होगा। जैसे ही आप गुरुजी कूपन अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो टोटल कॉस्ट है वो 13,000, सिर्फ और सिर्फ 13,000 रुपये आ जाता है गुरुजी के खजाने का। एज वेल एज अगर आपको कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स लेना है तो वो 9,000 रुपीज़ में आपको अवेलेबल हो सकता है। तो आप यहाँ से परचेज भी कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं सारा का सारा पूरा का पूरा ट्रेनिंग कोर्स और सारी चीज़ें शेड्यूल पर इम्पॉर्टेंट सारी चीज़ें सीख सकते हैं डिटेल पर, और आप हमारे साथ ट्रेनिंग करके अपनी स्किल सेट को भी ग्रो कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि और क्या आगे आपको मिलने वाला है। तो आज शाम का मैं वीडियो बता रहा हूँ आपको, आज शाम को हम बात करने वाले डिटेल पे बीबीएस ऑफ स्टीरअप्स के बारे में। हम यूट्यूब पे नॉलेजेबल वीडियोस तो आपके लिए लाते ही हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे इंजीनियर्स होते हैं जो यूट्यूब से भी सीखते हैं, तो यूट्यूब पर भी हम बहुत सारे चीज़ें अवेलेबल करते हैं आपके लिए, लेकिन यूट्यूब से सारी चीज़ें सीक्वेंस में सीख पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसी वजह से जो आपके लिए प्रॉपरली पार्ट हम लेकर आए हैं, जो मैं आपको बता दूँ पूरा का पूरा पूरा स्टीरअप्स का मैं पूरा आपको डिटेल पर आज बीबीएस आज शाम के वीडियो में, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। कॉल कर सकते हैं आप हमारे नंबर पर 9111001234, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। आपको जो भी चीज़ें क्वेरीज हैं हमारे काउंसलर से बात करिए, कॉल करिए, उनसे पूछ सकते हैं आप, और जो भी आपको चीज़ें आपके लिए अवेलेबल चाहिए वो आप बिल्कुल उन काउंसलर से अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। सो इंजीनियर्स मिलते हैं शाम के इस वीडियो में जहां पर मैं आपको डिटेल पर सिखाऊंगा, आप बिल्कुल मिस मत करिएगा, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है। यहां आई बटन में भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोज हैं, इस वीडियो को लाइक जरूर करिए अगर आपको पसंद आता है, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ये नॉलेज उन तक भी पहुँच पाए। सो दोस्तों इसी जोश और जुनून के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।